दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 208 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें अरेना का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑडियंस में से कुछ लोग कहते हैं टानसेक नया टैलेंट है, वो वाकई में काफी अच्छे हैं और यह बैटल वाकई में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली है। जबकि इस तरफ टानसेक की टीम खुश होते हुए कहती है इतना भी बुरा नहीं है, उन्होंने हमारे लिए वीआईपी रूम को चेंज कर दिया है और वैसे भी अब बस 9 टीम्स ही रह गई है। और जब इस तरफ जिया हंग चन टानसेक के बारे में सोच ही रहा होता है तभी यहाँ पे कोई बंदा आता है और वो कहता है ओल्ड फ्रेंड, काफी लंबे समय से हम मिले नहीं। और यह बात कहने वाला और कोई नहीं जुसानसी होता है और इसकी इस बात को सुन के जो सीओ होन चैन होता है वो मन में कहता है लॉन्ग टाइम, क्या ये बंदा अंधा हो गया है। और फिर ये जुसानसी से कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो जुसानसी कहता है मैं यहाँ पे उससे मिलने आया हूँ जो कि उस साल मुझसे हार गया था और हमने बस तुम्हारी खातिर जानबूझकर लास्ट राउंड के अंदर हार मान ली थी। तो क्या तुम इस राउंड के अंदर इस चीज का बदला लोगे। जिस पर सीओ हंग चन कहता है हम कोई डरपोक नहीं है। तो फिर जुसानसी कहता है जो पिछली बार मरे थे उन्हें दफनाने के लिए वापस से ले जाया गया था ना, तो जब तुम्हें समय मिले तो तुम हमारे बिहाफ पे उन्हें रिस्पेक्ट पे कर देना। और वैसे भी मैच के अंदर होल्ड बैक करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा और ये बिल्कुल भी मत सोचना कि यह हम उद्देश्य से कर रहे हैं। तो सीओ हंग चन कहता है तो चलो कंपटीशन में मिलते हैं। और जुसानसी कहता है अब मैं और ज्यादा कुछ नहीं कह सकता हूँ। जबकि इस तरफ जो क्राउन प्रिंस जू तारन होता है वो कहता है कि टानसेक और सिनेमून स्क्वाड के बीच में जो मैच होने वाला है वो काफी ज्यादा एक्साइटिंग होगा। जबकि इस तरफ ये जो पिंकी होती है ये थर थर कांप रही होती है और ये कहती है मुझे काफी ज्यादा चिंता हो रही है, अगर सिर्फ मुझे मैच में जाके लड़ने का मौका दिया जाए तो टानसेक के जीतने के चांसेस हैं। जिस पर जियान कहती है तुम ज्यादा चिंता मत करो। जिस पर यह चिल्लाते हुए कहती है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना करूं, और क्या तुम जानती हो कि सनमून स्क्वाड जो है वो पिछली बारी की रन अप थी। तो जियान इसे अपनी बातों के अंदर फंसाते हुए कहती है तो क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगी, अगर टानसेक हारती है तो मैं तुम्हें यहाँ के सबसे लग्जरियस रेस्टोरेंट के अंदर काफी तगड़ा वाला डिनर करवाऊंगी, लेकिन अगर यह जीते तो तुम्हें मेरे खिलाफ लड़ना होगा। जिसके लिए ये पिंकी खुशी खुशी मान जाती है और कहती है सिस्टर जियान कहीं आप मजाक तो नहीं कर रही है ना, क्योंकि मुझे वो लजीज डिनर अपनी तरफ आते हुए दिख रहा है। जिस पर जियान कहती है हाँ बिल्कुल, और वैसे भी मैं कभी मजाक नहीं करती हूँ। जबकि इनके बाजू में जो जुई चैन होता है वो काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है और फिर रेफरी कहता है दोनों ही टीम्स के मेंबर ग्राउंड में आ जाओ। और इस चीज को सुनते ही सिनेमून एम्पायर की तरफ से एक बंदा आ जाता है जबकि टानसेक की तरफ से वांग डोंग आता है और वांग डोंग को देख के मैंग चौंक जाती है और ये कहती है ये तो वांग डोंग है, अगर मुझे ये पहले पता होता तो मैं शी जिंग से पहले ही इसे ना मारने के लिए कह देती। और तभी रेफरी कहता है ये राउंड रोबिन का पहला राउंड है तो केयरफुल रहना और कोशिश करना कि तुम दोनों एक दूसरे को हट ना करो, और एक बारी रोक देने पर किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं होगी। जबकि वांग डोंग कहता है अपनी बकवास बंद करो, बस बैटल को शुरू करो और हाँ पार्शियलिस्ट पाओगे। जिस पर ये रेफरी कुछ भी नहीं कहता है और तभी अचानक से रेफरी गेम को शुरू कर देता है और ये जो सीजन होता है ये तुरंत ही अपने विंग्स को बाहर निकाल के हवा में आ जाता है और तो और पलक झपकते ही अपने सारे सोल गाइड वेपन्स को बाहर निकाल के एक साथ काफी सारे अटैक्स वांग डोंग के ऊपर कर देता है। और इसे ऐसा करता देख ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है इसका यह अटैक तो कितना ज्यादा फास्ट है और जैसा कि एक्सपेक्ट किया था सनमून स्क्वाड से। जबकि इस तरफ वांग डोंग इस अटैक को देख के मन में कहता है रेफरी जानबूझकर उसकी तरफ बायड है क्योंकि इसने बैटल को तभी शुरू कर दिया जब मैं तैयार नहीं था। तो हम देखते हैं कि वांग डोंग अपने विंग्स को बाहर निकाल के ऊपर आ जाता है इनको डॉच करने के लिए, लेकिन तभी ये काफी चौंक जाता है क्योंकि ये जो एक्सप्लोसिव बम है इनके पास ट्रैकिंग एबिलिटी है, मतलब कि ये अटैक वांग डोंग का पीछा कर सकते हैं। जबकि इस तरफ युहाओ बैठे बैठे हॉट ऑफ पेरिस स्पेक्टर को इस्तेमाल कर रहा होता है और ये एक तरीके की सोल स्किल है जो कि इनर माइंड को स्पेशल कामनेसा के अंदर ले जाती है और अवेयरनेस को लेके जो एक्यूटनेस होती है वो काफी ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन इसकी भी एक कमजोरी है, इसकी वजह से यह पूरे एक दिन के लिए परेशान होने वाली फीलिंगलेस को रीजन के बेस पे जज करेगा। जबकि इस तरफ वांग डन काफी तेजी से रेफरी की तरफ जाते हुए कहता है रेफरी केयरफुल रहो और हो सके तो जल्दी से जल्दी वहां से हट जाओ। और इस चीज को सुनकर रेफरी को वांग डोंग के ऊपर गुस्सा तो आता है लेकिन ये कुछ और भी नहीं कर सकता था
सिवाय दुम दबा के भागने के अलावा, और ये यहाँ से भागते हुए कहता है, आखिर तुम मेरा ही पीछा क्यों कर रहे हो, फॉलो करना बंद करो। जबकि ऑडियंस इस नज़ारे को देख के हंस रही होती है और कहती है, ये रेफरी तो काफी ज्यादा फनी है और इसे जो ऐसे भागना पड़ रहा है, ये चीज इसके लिए काफी ज्यादा एम्बेरेसमेंट है। जबकि इस तरफ प्रिंस किंग जुशियरम सीरियस होते हुए कहता है कि इस मैच को खत्म होने के बाद इस रेगुलरली की क्वालिफिकेशन है, उसे कैंसिल कर दो, क्योंकि यह कुछ मामलों के अंदर प्राथमिकता देते हुए दिख सकता है। लेकिन इतने सारे लोगों के सामने ऐसी सिचुएशन में आके इसने पूरे एम्पायर को शर्मिंदा कर दिया है, यह क्या ही एक नंबर का इडियट है। और इस चीज के लिए जूजी भी मान जाती है और ये वांग डोंग की तरफ देख के इमोशनल होने लगती है, क्योंकि ये अच्छे से जानती है कि यह वही है जिससे युहाओ प्यार करता है। और तभी जूती आरन कहता है, जूजी अचानक से तुम्हारे हाथ ठंडे क्यों पड़ गए। और इस सवाल को सुन के अचानक से जूजी चौंक जाती है, जिस पर जूजी कहती है, शायद इसलिए क्योंकि गेम काफी ज्यादा ड्रामेटिक है और उस वजह से मुझे थोड़ी सी नर्वसनेस हो रही है। जिस पर जूती आरन कहता है, टांग सेक्ट के उस बंदे से दिल लगा मत बैठना, मतलब कि क्रश मत बना लेना। और माना कि मैं अभी तक जितने भी लड़कों से मिला हूँ उनमें ये सबसे ज्यादा हैंडसम है। जिस पर जूसी कहती है, माय लॉर्ड आपको जलन हो रही है ना। जिस पर जूत आरन गुस्सा होते हुए इविल तरीके से कहता है, मैं भी एक आदमी हूँ तो मुझे जलन कैसे नहीं हो सकती है। और फिर ये मन में कहता है, आखिर मेरी वुमेन मुझसे कैसे दगाबाजी कर सकती है, ये चीज अनएक्सेप्टेबल है, फिर चाहे यह एक थॉट ही क्यों ना हो। और जूती यारन को वाकई में वांग डोंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन तभी जूजी हंसते हुए कहती है, मुझे सच में काफी खुशी हो रही है जो आपको मेरी वजह से जलन हो रही है, और यह चीज ये दर्शाती है कि आपको मेरी कितनी परवाह है। लेकिन आपको एक लड़की से ईर्ष्या रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। और इस चीज को सुनकर जूती आरन चौंक जाता है और यह कहता है, क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि वांग टोंग एक लड़की है जिसने लड़के का भेस ले रखा है, लेकिन तुम्हें ये कैसे मालूम है। जिस पर जूजी इसे कान में बताती है, आपने ही तो मुझे टंग सेक्ट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहा था ना, वहीं से मुझे ये पता चला है। और इस चीज को सुनते ही जूतिया के मन में लड्डू फूटते हैं और यह जेब लप लपा आते हुए मन में कहता है, अच्छा तो यह एक लड़की है और यह पक्का काफी ज्यादा सुंदर लगेगी अगर ये लड़कियों के कपड़े पहनती है। तो जिसके बाद हम एरिना का सीन देखते हैं जहाँ पे वांग डोंग काफी तेजी से रेफरी की तरफ बढ़ रहा होता है, और तभी रेफरी के आगे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है और इस एक्सप्लोजन को देख के सभी लोग काफी हैरान होते हैं। और ऑडियंस कहती है, इस हाई एक्सप्लोसिव बम की जो पावर है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि करीब करीब ये बैटलफील्ड डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जबकि इस तरफ हम देखते हैं वांग डान थोड़ा सा थक चुका होता है, तो ये जीजन कहता है, कुछ हाई एक्सप्लोसिव बम्स ने ही तुम्हें इतना भगा लिया और अभी हमारे बीच की जो डिस्टेंस है वो एकदम परफेक्ट है। और फिर ये काफी इविल तरीके से हंसते हुए कहता है, और मेरे कैनन की चार्जिंग भी हो गई है, मतलब कि इसने एक काफी ज्यादा खतरनाक वेपन को अटैक करने के लिए तैयार कर लिया है। और इसे देख के युहाओ भी चौंकते हुए कहता है, ये तो स्कारलेट फायर हैवी आर्टिलरी है, और फिर इस बंदे ने अपने कैनन से एक काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल अटैक कर दिया होता है। और ये एनर्जी बॉल काफी तेजी से वांग डान की तरफ जा रही होती है और ये एनर्जी बॉल वांग डान को काफी जोर से हिट भी करती है। और इस नज़ारे को देख के ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है, हे भगवान, मैं इस नज़ारे को नहीं देख सकती हूँ। तो दूसरा कहता है, क्या ये हैंडसम यंग मैन मरने वाला है। और इस तरफ हम देखते हैं कि ये एनर्जी बॉल अब भी कायम होती है और इस चीज को देख के ये बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसका जो ये अटैक था ये अभी तक एक्सप्लोड नहीं हुआ था। और फिर यह काफी हैरान होते हुए कहता है, यह एक्सप्लोड नहीं हुआ, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये मेरे इंस्टेबल कैनन बुलेट को सिर्फ अपने हाथों से ही कैच कर सके। और इस तरफ जूती आरन भी इस सीन को देखकर काफी हैरान होता है, जबकि इस तरफ जू सांसी और जियांग नान काफी खुश होते हैं। और इस तरफ वांग डोंग वापस से इसी एनर्जी बॉल का इस्तेमाल करता है इस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए और इसके ऊपर इस एनर्जी बॉल को थ्रो कर देता है और ये कहता है, लो अब इसे संभाल के दिखाओ। जबकि इस तरफ इस बंदे के काफी तगड़े वाले होश उड़े हुए होते हैं और इस एनर्जी बॉल को अपनी तरफ आता देख ये तुरंत ही इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसे ही ये एनर्जी बॉल इसकी शील्ड को हिट करती है तो यहाँ पे एक काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इसकी जो शील्ड होती है उसकी धज्जियाँ उड़ जाती है, लेकिन ये बच जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो, इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में।